बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम गोइंग टू डिस्कस द लेंस टर्मिनोलॉजी इन टुडेस लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन कन्वेक्स एंड द कनकेव लेंसेज। नाउ वी विल डिस्कस सम टर्म्स एसोसिएटेड विद द लेंसेज। आई हैव अ कन्वेक्स लेंस and this one is a concave lens. In the previous lecture I have told you that the lens which is thicker from the middle and thinner from the edges is called the convex lens, and the lens which is thin from the middle and thick from the edges will be named as concave lens. Center of the convex or concave lens is called the optical center. यानी चाहे वो कनकेव लेंस है चाहे वो कन्वेक्स लेंस है उसका अपना सेंटर क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, उसको सी से शो करते हैं। एंड द लाइन दैट पासिस फ्रॉम दैट ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जो उस ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने वाली जो लाइन है इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यानी ये वाला हो गया आपके पास ऑप्टिकल सेंटर और उसमें से गुजरने वाली लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अच्छा, इन द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड प्रेक्सियल रेज। यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रेक्सियल रेज। यानी ये वाली क्या कहलाएगी? प्रेक्सियल रे। अब प्रेक्सियल रे का लिंक किस चीज से है मैं उसकी तरफ अब जाना चाहूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। ये इनका ऑप्टिकल सेंटर है। ये हो गई प्रेक्सियल रे, सॉरी वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अगर आपने इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इस लेंस पे स्ट्राइक करवाई है तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद ये मुड़ती हैं अंदर को, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है ना इज कन्वर्जिंग लेंस। अब ये जितनी भी कन्वेक्स लेंस से गुजरने वाली रेज हैं जब कन्वर्ज होंगी ना दे विल अपीयर टू पास फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, यानी वो एक सिंगल पॉइंट में से गुजरेंगी। ओके, यानी वो सिंगल पॉइंट जहां से वो गुजर रही है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, ये जो पॉइंट जहां से ये रेस पास कर रही है कट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, एज द रेस are actually passing from this point F, that's why this focus will be named as real focus. इसे हम क्या नाम देंगे? Real focus. So the focus formed by the convex lens is real. So it can form the real and the inverted image. यानी real image बनाता है जो कि inverted भी होता है. Okay? यानी प्रेक्सियल rays अगर कन्वेक्स लेंस से गुजरे तो एक पॉइंट में से आगे जाएंगी, उसमें से पास करेंगी, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और उस पॉइंट का नाम क्या है? रियल फोकस, इस वजह से कि रेज एक्चुअली उसमें से पास कर रही है। अब ये मैंने इसको रियल का नाम दिया, इसका समझ आपको इस चीज से आएगी। ये देखें, ये मैंने प्रेक्सियल रेज लगवाई इसके ऊपर,
ओके ये जो प्रेक्सियल रेज हैं हमें पता है कि ये डाइवर्ज होनी है क्योंकि जो कनकेव लेंस ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्ज का मतलब बाहर को मोड़ना, ओके अब ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, बट इफ वी प्रोसीड द डाइवर्ट पाथ बैकवर्ड दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, वो एक पॉइंट में से आती हुई फील होंगी, वो जिस पॉइंट में से आती हैं फील हो रही हैं उसको भी हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल फोकस, ओके यस। अब एक्चुअली क्या इस पॉइंट में से ये निकल रही हैं? नहीं, इसमें एक्चुअली पास हो रही थी इसलिए वर्ड रियल का नाम दिया गया इधर, और यहां पे जो रेज हैं वो एक्चुअली पास नहीं हो रही, इनको हम नाम क्या देंगे, वर्चुअल, क्या नाम देंगे, वर्चुअल फोकस। ओके सो द फोकस फॉर्म बाय द कनकेव लेंस इज वर्चुअल, सो इट विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, ये हमेशा कौन सा इमेज बनाएगा, यानी गैर हकीकी, ठीक है, और गैर हकीकी इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। अब इस लेंस के बारे में हमारे पास डबल सिस्टम है, इट कैन फॉर्म द रियल इमेज, इट कैन फॉर्म द वर्चुअल इमेज, लेकिन वो हम थोड़ा आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं कि रियल कैसे बनाता है और वर्चुअल कैसे बनाता है, ओके अच्छा एक टर्म इसके साथ एसोसिएटेड रहेगी, उसके बाद ये टॉपिक यहाँ पे वाइंड हो जाएगा। अगर हम इस प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जो गैप है इसको मेजर कर लें, इट विल बी नेम्ड एज द फोकल लेंथ, इसे क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, ओके क्लियर। आगे बढ़ते हैं पावर ऑफ अ लेंस की तरफ, अच्छा पावर का ताल्लुक फोकल लेंथ से है, इफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स देन its reciprocal is called power of a lens, यानी अगर focal length को आप measure करें meters में तो फिर उसका जो reciprocal है उसे हम क्या नाम देते हैं, power, यानी f is equal to 1 by power, और यानी इसके लिए जरूरी है कि focal length को किस में नाप रहे हैं आप, meters में, और power equals to 1 by f, ठीक है क्लियर बेटा। इसका जो यूनिट है वो है डायोप्टर, इसे ऑप्टिशियंस यूनिट भी कहते हैं, वो जो एनक वगैरह को नंबर देते हैं ना, वो बेसिकली पावर ऑफ द लेंस होती है, वो जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था जो वो ऑप्टिकल सेंटर वाले हैं वो बेसिकली ऑप्टिशियंस होते हैं, वो लेंजेस के माहिर होते हैं, ओके Yes. अच्छा वन डायोप्टर कितनी पावर होगी, यानी अगर आपके पास एक ऐसा लेंथ है, ऐसा मतलब लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एक मीटर है, जिसकी फोकल लेंथ एक मीटर है तो उसकी पावर कहलाएगी वन डायोप्टर, वन डायोप्टर इक्वल्स टू वन पर मीटर, ओके दोबारा सुन लें, डायोप्टर यूनिट किसका है, पावर का। अगर आपके पास एक ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एक मीटर है तो इस लेंस की पावर जो होगी वो वन डायोप्टर होगी, यानी फोकल लेंथ वन मीटर का मतलब क्या है कि यहां से अगर पैरेलल रेज उसके ऊपर लगवाई जाए तो वो जाके एक मीटर पे जाके एक दूसरे को क्या करें, कट करें, ठीक है समझ आ गई इस चीज की।
ओके बेटा, ये आज का टॉपिक यहाँ हुआ वाइंड. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.